उपस्थित हमारे गार्जियन स्कूल मकसूदन शाह जी, हमारे जिला अध्यक्ष संजीव झा जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण भैया एवं हमारे जिला कार्य समिति एवं हर प्रखंड से आए युवा प्रखंड अध्यक्ष। सबसे पहली बात है कि हमारे क्षेत्र में हमारे प्रखंड के युवा मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में फुटबॉल हो या जो भी कार्यक्रम प्रदेश से नियुक्त किया गया है, सारे कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक करेंगे। और विशेष धन्यवाद मैं मनोज कुमार मिश्रा, जिला कार्य समिति युवा मोर्चा बोकारो सदस्य, स्थान निवास चंद्रपुरा। तो हम अपना प्रखंड में और भी जो भी गलती हमारे प्रखंड होंगे उसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर प्रखंड अध्यक्ष को कार्यक्रम को सफल बनाने का कोशिश करेंगे। जिला प्रशासन बोकारो जिला निवास चंदन क्यारी, मैं कुछ दिन के अंदर अवश्य कहना चाहूँगा कि चंदन क्यारी प्रखंड अध्यक्ष का भी घोषणा हो और प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ा माध्यम बनेगा। आप शीघ्र अपनी पूरी टीम के साथ जिस जिस मंडल में अध्यक्ष का गठन नहीं हुआ है वहाँ मंडल अध्यक्ष को घोषित करें और वहां की कमेटी को बनाएं। विक्रम पांडेय जी ने प्रखंड स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात कही है जो प्रदेश से दिशा निर्देशित है और उसको पंचायत स्तर पर लेकर के जाएं। हमारे अभिभावक मधुसूदन जी बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत दिनों से उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं यह पूरी तरह से जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि अंडर 40 के कार्यकर्ताओं के बल पर ही, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो चाहे संगठन का कोई भी कार्यक्रम हो, हम लोग सफलता मिलती है। चाहे वह चुनाव में बूथ का मैनेजमेंट हो या किसी भी राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो, वह अंडर 40 के कार्यकर्ता में एक उत्साह होता है और वो आगे बढ़कर के उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। नेतृत्व केवल जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनके दिशा निर्देश में चलते हैं और इसी का परिणाम है कि मात्र 31 वर्ष का ये पार्टी आज पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन खड़ा हुआ है कार्यकर्ताओं के बल पर। आप बूथ स्तर पर इस संगठन को लेकर के चले, आपके बूथ स्तर तक सभी कार्यकर्ता उपलब्ध हैं, केवल उन्हें समेकित करना है और उसके माध्यम से हम कार्यक्रम को फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है और युवा वाहिनी के बैनर तले जो भ्रष्टाचार का कार्यक्रम है उसमें अप्रत्याशित सफलता हम लोगों को मिलेगी जो वर्तमान पूरे देश का परिदृश्य है भ्रष्टाचार के ऊपर में। हम सभी बूथ स्तर तक अगर मैसेज पहुंचाते हैं, पंचायत स्तर तक पहुंचाते हैं तो वह बहुत ही सफल कार्यक्रम होगा, क्योंकि आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, यह राजनीतिक मंच से मैं कह रहा हूँ, सरकारी मंच को सरकारी व्यवस्था को अलग करके, कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार पैर अपना नहीं जमा चुका है। और संगठन के रूप में कार्यकर्ता के रूप में हम सभी को चाहे जिस भी स्तर पर समाज के साथ कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसको विरोध करने का हम सबका परम कर्तव्य है, सबसे प्रथम कर्तव्य और सबसे अंतिम संगठनकर्ता के रूप में हमारा दायित्व बनता है। इसी के साथ आप सभी संतोष कुमार भूमिया भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष, प्रदेश के तरफ से जितने भी कार्यक्रम हो चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, प्रदेश के निर्देशानुसार और बोकारो जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के दिशानुसार जो भी कार्यक्रम मुझे सौंपा जाएगा वह बखूबी मैं निभाऊंगा, चाहे वो फुटबॉल टूर्नामेंट हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी मुद्दा हो वो भारतीय जनता मोर्चा जिला अध्यक्ष के दिशानुसार मैं करूंगा। धन्यवाद। प्रदेश कार्य समिति के कोषाध्यक्ष विक्रम पांडेय जी,
उपाध्यक्ष विकास सिंह जी और संचालनकर्ता भूपेश्वर घोषाल जी। जैसा कि विक्रम जी ने कहा, संगठन को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम जो जो प्रखंड अध्यक्ष नव निर्वाचित हुए हैं और यहाँ पर जितने लोग भी उपस्थित हैं सभी लोग कार्यकर्ता ही हैं। आप लोगों को जो पद दिया गया है पद सरकारी होता है, आप लोगों को दायित्व दिया गया है, इसलिए आप सभी लोगों को अच्छी तरह से अपने पद का निर्वहन करना है, तभी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा मजबूत होगी। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि अभी अभी भारत देश में सर्वेक्षण हुआ जिसमें 75% युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है इस देश में। आप जानते होंगे कि भारतवर्षी एक ऐसा वर्ष है, एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, और उसके विपरीत आप एक देश का नाम सुने होंगे फिनलैंड। फिनलैंड में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग की संख्या ज्यादा है और यहाँ के युवा सबसे अधिक है। तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो किसी भी तबके के हो, किसी भी जाति धर्म से हो, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा को आप जैसे युवाओं की जरूरत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा हमेशा से ही एक ध्यान रहा है, आप दूसरों पार्टियों पर नजर डालें तो और जितनी भी अन्य पार्टियां हैं या तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज 30 सालों से वही आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिले के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर 3 साल में नए अध्यक्ष का चयन होता है, और वो किसी भी तबका का हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, इस पार्टी का अध्यक्ष बनने का सम्मान प्राप्त करता है। साथियों, एक अभिन्न अंग है, जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर डंडा है तो युवा मोर्चा उसका झंडा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे मंच मोर्चा प्रकोष्ठ हैं, महिला मोर्चा है, जनता युवा मोर्चा है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी कि लाल किला में लाल चौक पर हम लोगों को तिरंगा फहराना था 26 जनवरी को, और उसके निमित्त हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में कलकत्ता से लेकर कश्मीर के लाल चौक तक हम लोगों ने सफलतापूर्वक यात्रा की, और उसमें हम लोगों ने देखा, चूंकि कार्यक्रम धनबाद जिला में हुआ था आम सभा और एक हजारीबाग जिला में, उन कार्यक्रमों में हमने देखा कि युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा थी, और हम लोगों ने अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में, बबलू भगत जी के नेतृत्व में, अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने कश्मीर जाने का काम किया, और सफलतापूर्वक जो इस देश में आज भ्रष्टाचार महंगाई बेरोजगारी व्याप्त है उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया। उसके तुरंत बाद फिर महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रामलीला मैदान में एक भव्य रैली का आयोजन हुआ जिसमें तकरीबन पूरे देश से 5 लाख युवा ने हिस्सा लिया। हम लोगों भी नहीं, हमारे जिला अध्यक्ष थे और हमारे बिरमू प्रखंड के अध्यक्ष थे, विकास जी थे,
अरुण जी थे, सभी लोगों ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम हुआ। घोटाला हुआ वो किस तरह का घोटाला है आपको याद होगा साथियों कि जब इस देश में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इस देश में कारगिल का युद्ध हुआ था और उसमें हमारे अनेकों सैनिक शहीद हुए थे। उनके सम्मान में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा कि उनकी विधवाओं को कम से कम सम्मान के रूप में उन्हें एक अच्छा सा फ्लैट बना के दिया जाए और रोजगार की व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने परिवार को चला सके। लेकिन साथियों जैसे ही ये यूपीए की सरकार इस देश में काबिज हुई जो हाउसिंग कॉलोनी जो बड़ा बिल्डिंग बना उसमें आधा से ज्यादा फ्लैट अपने रिश्तेदारों में बांट दिया गया उन विधवाओं को। देखिए चूंकि आज इस देश पे तीन बहुत बड़ी समस्याएं व्याप्त हैं, एक महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, उसी को लेके आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बोकारो जिला के द्वारा कार्य समिति की बैठक की गई और जिसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग पूरे जिला में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ युवाओं की टोली गांव-गांव शहर शहर ले जाके युवाओं को प्रेरित करें कि कैसे ये यूपीए की सरकार आज इस देश को दीमक की तरह चूस रही है, खा रही है। और हम लोगों ने युवाओं की टोली बनाकर गांव-गांव शहर शहर में मोटरसाइकिल रैली, समाचार पत्रों के द्वारा, मीडिया के द्वारा और नुक्कड़ सभा के द्वारा हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चूंकि आप लोगों को ज्ञात है कि आज कैसे इस यूपीए की सरकार ने इस देश में लूट खसोल का माहौल बना रखा है और युवा आज पूरा इस देश का इसके खिलाफ उखड़ चुका है। और इसमें हम लोग चाहेंगे कि जितने भी हमारे देश के, हमारे जिला के, हमारे प्रखंड के, हमारे राज्य के युवा हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का साथ दें।